خوراکا بود می در آ بجا صبح صبح خرچا اس کے پیسے میں ویسے بھی پاس ہے ایسے تھوڑی چمی لیا اوئے 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 بابا وہ بات میں نہیں بناؤ ये हमारे भाई सईद की दुकान है और ये हमारे बुजुर्ग हाजी साहब बैठे हुए और मैं नवीद हूँ। ये आदमी बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन कभी किसी के आगे काफी काम करता है। सर खड़े हो जाओ, पास चुम्मी लेके जो है ना आप आ जाओ। अरे वाह 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 यार जबरदस्त। ये मोबाइल ने जो गुरु है वो तुमने बेटे को नहीं पता कि मेरी ना इधर तेरे तुम को उठाया राइन ने। क्या राइन ने तेरे को उठाया? बेटे को बोला नहीं? बोला हमने इसको बोला। अच्छा कुछ क्या बोले? बोले मैं ना जाओ अभी हम तुम्हारे बाप ही हम हमारे बाप। वाह अरे वाह। चाचा कुछ शेर तो हो जाए यादगार। नहीं नहीं कुछ कह दो, देखो ये रिकॉर्ड में रहेगी मेरे पास। हाँ? ये वीडियो यकीन जानो। बिल्कुल खामोशी इख्तियार करो सब। एक तो वो शेर है नहीं अदब तेजी हुआ नहीं। अच्छा 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 क्षमा नहीं जाती है ये नहीं। अच्छा ये यादगार रहेगा हमारे पास, ये यादगार रहेगा हमारे पास। और देखो इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, सही है? तो हम आपको इससे याद करेंगे अच्छे अल्फाजों में और अल्लाह खुश रखे आपको। चाचा इस तरह का कोई शेर आप सुना दो जिससे जमाना सबक हासिल कर। चमन चमन उदास है। चमन चमन उदास है गुलू मिलेंगे नहीं। चमन चमन उदास है गुलू मिलेंगे नहीं। उस जिंदगी का क्या मजा जिसके लिए तू नहीं। चमन चमन उदास है गुलू मिलेंगे नहीं, गुलों में रंग नहीं। उस जिंदगी का क्या मजा, उस जिंदगी का क्या मजा जिसमें तुम नहीं। जिसमें तुम नहीं। वाह चाचा वाह। और चाचा अच्छा किसी को मतलब कोई पैगाम देना चाहो, मतलब कि आपने जिंदगी गुजार ली, आपने सब कुछ देख लिया। पुराना डायलॉग है ना वो डाल दो उड़े जी मार गया। अच्छा मतलब जो न्यू जनरेशन है ना, अभी मैं हो गया सही है, आसिफ हो गया, सईद भाई भी हो गया ठीक है। उनको क्षमा नहीं जाती है किसी का घर जलाने के लिए। क्षमा नहीं जाती है किसी का घर जलाने के लिए। परवाने खुद ही आ जाते हैं अपनी। समझ गया मैं। परवाने खुद ही आ जाते हैं अपने आप को जलाने के लिए। अच्छा कोई पैगाम दे दो ना चाचा, किस तरह आपने जिंदगी गुजारी मतलब। मेरा पैगाम ये मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि उन नौजवानों को के जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में दर बदर कर देते हैं या उन्हें छोड़ देते हैं या उनकी तरफ तवज्जा नहीं देते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो भी खराब में उनका खास तौर पर ख्याल करें। वो उन पर पशु की तवज्जा दी जाए। हमारे बच्चों को आप ही बच्चे नीच बच्चे अल्लाह ताला जो बच्चा खुश रखे अपने माँ बाप को खुश रखा वो अपने जिंदगी सवारा। माँ बाप को खुश रखा वो अपने जिंदगी सवारा। ये दौलत ये पैसा ये इज्जत कुछ भी नहीं है माँ बाप के सामने। बहुत ख्याल रखो और दुआएं दो। अभी हम लोग गए दुआ देने वाले, बस दुआ देने वाले नहीं।